एलटी ग्रेड के वो अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति सामाजिक विषय और हिंदी विषय पर रुकी हुई है, वो अभ्यर्थी लगातार अपनी ज्वाइनिंग के लिए पोर्टल खोलने के लिए धरना दे रहे हैं और प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके पोर्टल खोलने की जो तारीखें हैं वो घोषित हों और ताकि जो प्रक्रिया है वो पूरी होकर उनको नियुक्ति मिल सके। तो एलटी अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो में हम सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और आपको तारीखों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना, भारत समाचार ने अपडेट किया है कि राजकीय कॉलेज में एलटी जीआईसी की 2018 भर्ती का यह मामला है। 15 में से 13 विषय के अभ्यर्थी कर चुके हैं ज्वाइन, लेकिन 2 विषय के अभ्यर्थियों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिसमें आपका सामाजिक विषय और हिंदी के 2 विषय हैं। 9 महीने पूरे होने के बाद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इसलिए बड़ी संख्या में जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने शिक्षा निदेशालय पहुंचे और घेराव किया। जब उन्होंने घेराव किया और एक प्रस्ताव बनाकर शासन के लिए यहाँ पर भेजा, अधिकारियों को दिया, तो वहाँ से महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई पोर्टल खोलने को लेकर। जब अधिकारी दबाव में आए तो वहाँ से सूचना निकल कर आई कि एलटी ग्रेड के सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय की जो नियुक्ति रुकी हुई है उस पर जो पोर्टल खोला जाएगा उसके लिए अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आराधना शुक्ला अभ्यर्थियों के मध्य आकर उन्होंने संवाद किया। मैडम ने अभ्यर्थियों के हर प्रश्न का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि 16 जुलाई, देखिए 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आप लोगों को नियुक्ति से संबंधित जो पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा और इसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। यानी कि आने वाले इसी हफ्ते के अंत तक आपको इससे संबंधित जो प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी कि 16 से 22 जुलाई के किन तारीख के बीच में ये पोर्टल खोला जाएगा और आपकी जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी जाएगी। और बताया गया है अगर विज्ञप्ति नहीं जारी होती है तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे, यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहा है। तो ये आश्वासन के बाद यहाँ पर धरना स्थगित किया गया है और पूरी उम्मीद है, पूरे यहाँ पर सूचना है कि इस बार पोर्टल खोल दिया जाएगा, तो समस्त छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।